हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना टिक्की, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। और नवरात्रि स्पेशल साबूदाना टिक्की बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक कप साबूदाने को डाल देंगे। यहाँ पे हम छोटे दाने वाले साबूदाने का यूज़ करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से हाथों से मसलते हुए दो तीन पानी से हम इसे धुल लेंगे। और ये देखिए, मैंने साबूदाने को बहुत ही अच्छी तरह से धुल लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। इतना ही पानी बिल्कुल परफेक्ट है। और मिलते हैं आधे घंटे बाद। ये देखिए, आधे घंटे हो गए हैं। तो अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें भीगे हुए साबूदाने को डाल देंगे। भीगे हुए साबूदाने को हम चम्मच की हेल्प से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक साथ ही नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका जो पानी रहेगा वो भी चला जाएगा। अब हम इसमें तीन मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लेंगे, पाँच हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती और आधी चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी टिक्कियों को बना लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम तवे पे घी को डाल देंगे। अच्छी तरह से घी को तवे पे फैला लेंगे और एक एक करके हम तवे पे साबूदाने की टिक्की को रखते जाएंगे इस तरह से। और जब ये एक तरफ से हल्का सा पक जाए तभी हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे इस तरह से। ये बहुत ही कम घी में बहुत ही टेस्टी साबूदाना टिक्की बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम इसी तरह से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। टिक्की को पलटने के बाद इसके ऊपर से हम घी को लगा देंगे ताकि घी चारों तरफ से अच्छे से फैल जाए और टिक्की हमारी बहुत ही क्रिस्पी बन जाए। तो इसे हम उलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे और ये बहुत ही कम घी में बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी साबूदाना टिक्की बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ पे जाके चेक करें। साथ में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।